हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी खामरा। आज मैं आपके साथ चटनी शेयर करने जा रही हूँ। टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप इसे सर्व करेंगे तो आपकी जो खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसे रेसिपी को शेयर करें। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं किचन में। हमें चटनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 टमाटर। इस तरह से टमाटर का छिलका निकाल दें, आप देख सकते हैं। चलिए इस प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। हमने टमाटर को बारीक काट लिया है और हमें चाहिए इसके लिए पुदीने की पत्तियां 3 से 4 और बारीक कटा हुआ धनिया, करी पत्ता 2 या 3 और लाल सूखी मिर्च, नमक, कलौंजी, ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट और हल्दी। चलिए इसे हम शुरू कर लेते हैं। मैंने पैन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जितना आप पसंद करते हैं उतना ही डालें। इसे अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालें। इसे अच्छे से ब्राउन होने दें। अब इसमें करी पत्ता डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें पुदीने की पत्तियां डालेंगे और बारीक कटा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और गैस की जो फ्लेम है वो कम रखें। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सिक रहा है। अब इसमें 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कटे हुए बारीक टमाटर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। इसे 5 मिनट के लिए आप गैस की जो फ्लेम है वो कम कर दें और इसे अच्छे से सेक लें। बन चुकी है। अब इसे आप 2 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दें। चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे परांठों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।